firstly, I will pay my thanks to the chairman, Private Schools Association, the chairman of the candidate, principal, my friend Farooq Saab, for choosing me as chief guest on this occasion. I feel very much honored, very much humbled, and very much proud to be with you. And mostly so, having a very beautiful multicolored audience before me, it is an added grace for me because it reminds me of a Kashmiri Mohindraj. Jaise aapne yahan isko sajaya hai, with a Kashmiri Vanmood. So I pay my congrats to all of you. Secondly, क्योंकि इन्हीं गहराइयों से मैं उन अजीज बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके साथ उनके उस्तादजा को स्कूल की मैनेजमेंट को कि इतने शानदार नंबरात से लेके अच्छे नंबरात से लेके इन्होंने रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें अपनी कारकर्दगी दिखाई. इससे पहले भी मुझे याद है कि पिछले साल भी कैंडिडेट हायर सेकेंडरी को ही पोजिशन मिली है. मैं सिर्फ आपको अलामा इकबाल अलैहिर्रहमा का एक चीज शेयर आपके सामने रखूंगा जिसमें आपके लिए वो पैगाम है जिस पैगाम में आप अगर अमल कर लेते हैं तो जिंदगी में हर तरक्की आपके कदम चूमे. चमन को छोड़ के निकला हूँ मिस्र निकते गुल हुआ है सबर का मंजूर इम्तिहान मुझको. इस तालीम के रास्ते में जिसमें मैं उस खुशबू की तरह निकल चुका हूँ जिस तरह फूल से खुशबू निकलती है क्योंकि आप मुझे इस तालीम के रास्ते में सबर मुश्किलात और दिगर मामलात से सामना करना पड़ेगा. शराब इल्म की लज्जत कशमा कशां मुझको. देखिए हमने चिट्ठी को दिया है सबसे बड़ा कुरान करीम का नुस्खा हमने पेश किया है. ये जो प्रोग्राम हमारा यहाँ आज मुनक्कद हुआ ये सिंपली एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था. रिसेंटली जे एंड के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आउट कर दिया उसी के माध्यम से जो उसमें जो टॉप 10 पोजीशंस में अपने नाम फिर से एक बार बनाया. रिसेंटली पिछले कुछ सालों से हम कंटिन्यूसली टॉप 10 में नाम बनाते आ रहे हैं. लास्ट ईयर हमने साइंस डिपार्टमेंट ने फर्स्ट पोजीशन ली थी और इस बार हमने आउट ऑफ टॉप 10 में 3 पोजीशंस हमने ली हुई है. साइंस डिपार्टमेंट में हमने 8th और 10th ली है और ह्यूमैनिटी से हमने 8th पोजीशन और एक ली है. तो उन्हीं बच्चों को फेलिसिटेट करना था और उसके अलावा ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स जिन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की हुई है और तकरीबन 40-50 से बच्चे जिन्होंने फर्स्ट डिविजन में पास किया हुआ है. तो इन सारे बच्चों को हिम्मत देना, शाबाशी देना, तो यही एक मकसद था आज के प्रोग्राम का जिसमें हमने मधु किया था जॉइंट डायरेक्टर रूफ रहमान साहब को और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो सदर साहब है जैन वार साहब, तो उन्होंने भी अपनी स्पीच में इन बच्चों को सराहना की और इनको शाबाशी दी. देखिए ये हमारे ये जो आज आप देख रहे हैं कि एक फैसिलिटेशन डे हमने आज मनाया यहाँ पर अपने बच्चों की जो रिसेंटली 12th क्लास का रिजल्ट जो आया हमारी तीनों स्ट्रीम्स का जिसमें साइंस में हमारी 2 पोजीशंस और आर्ट्स में 1 पोजीशन हमने हासिल की. ये हर साल हमारा स्कूल जो है एक लेगेसी के तौर पर एक लेगेसी हमारी है कि हमारे रिजल्ट में हर साल पहली पोजीशन भी हमें आई है, सेकंड भी, थर्ड भी. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस इस स्कूल के लिए है. लेकिन इस साल हमने एक नई शुरुआत की है. हमने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जो कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री है. हम चाहते हैं कि बच्चे को दबाव के बगैर, अगर आपने देखा होगा कि बच्चा आज काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहा है, सुबह उसको कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, शाम को फिर जाना पड़ता है, बीच में स्कूल, एक मशीन की तरफ लगा रहता है बच्चा. तो हमने इस चीज़ का हल यहाँ पर ढूंढा है. एक स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम हमने यहाँ पर लाया. आप हमारा यही प्रोग्राम है कि हम हर एक बच्चे को नर्सरी से लेकर 12th तक, या नीट का बच्चा हो या किसी और क्लास का भी बच्चा हो,
हम यही चाहते हैं कि एक हारमोनियस डेवलपमेंट बच्चे की हो, उसको एक हम आहंग माहौल हम फराहम करें। इसी की एक कड़ी थी आज। आज आपने देखा कि बच्चे काफ़ी खुश थे, जैसे आपने खुद भी महसूस किया होगा। तो यही हम चाहते हैं।